बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलिक कामिला मुश्ताक। आई हैव रिसेंटली सिक्योर्ड रैंक वन इन KAS 2018। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिहाज से आई हैव डन माय 10th फ्रॉम टाइनी हार्ट स्कूल। फिर मैंने अपना 12th किया मेलनसन गर्ल्स स्कूल से। आई क्वालिफाइड माय एंट्रेंस JEE, तो आई गॉट एडमिटेड इन NIT श्रीनगर। NIT श्रीनगर में मेरी ब्रांच थी सिविल इंजीनियरिंग। आई पास्ड आउट इन 2017। तो 2017 के बाद से ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की बात करें तो बचपन में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये KSIS होता क्या है। तो आई गॉट टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज ओनली व्हेन मिस्टर शाह फैसल सर क्रैक्ड IAS। तो उसके बाद से ही मैं चाहती थी कि मैं भी अपना नाम कमाऊँ इसी फील्ड में। तो शाह फैसल सर मेरी इंस्पिरेशन रह चुके हैं, जैसे कि वो हर एक कश्मीरी के इंस्पिरेशन रह चुके हैं। तो 2017 के बाद से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही अपना करियर बनाना है। तो 2017 के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की। बहुत सारे लोगों के साथ कंटैक्ट में आई जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उनसे सजेशंस ली। इनफैक्ट मैं ICP राजबाग गई। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। वो हर वक्त सजेशन देते थे कि वॉट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन। तो आई गेस मेरी सिविल सर्विस की जर्नी में ICP का बहुत रोल रहा है। इवन जब कि हमारे इंटरव्यू स्केड्यूल हुए थे तो मॉक इंटरव्यू भी मैंने ICP में ही दिए थे। तो वहाँ के जो इनपुट्स मुझे मिले, सजेशंस मुझे मिले, मुझे लगा उस इनपुट की वजह से मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जी, तो जो यहाँ नए नए यूथ जो हैं एजुकेटेड हैं, KAS पास करना चाहते हैं, IAS पास करना चाहते हैं, तो आप के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज उनके लिए रहेगी? जो भी यूथ यहाँ के है जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, आई थिंक दैट इट इज़ हाई टाइम कि यूथ सिविल सर्विसेज में आए। क्योंकि अगर हम परसेंटेज देखें कश्मीरियों की कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हैं, देन इट्स अ वेरी मीगर परसेंटेज। इट्स हाई टाइम कि कश्मीरी यूथ अपना पोटेंशियल जो है वो हार्नेस करे। ऐसा नहीं है कि यूथ में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। बट हम कश्मीरीज थोड़े से लेथार्जिक होते हैं और अपने कैपेबिलिटीज़ पे सेल्फ डाउट करते हैं। आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट यू शुड ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी and you should harness your potential in the right direction. आप उतने ही competitive हैं जितने बाकी states के बच्चे हैं। हो सकता है आपको resources कम मिले उन states के बच्चों से, क्योंकि कश्मीर में हालात आए दिन ख़राब रहते हैं। But in the end of the day, you have to manage with the scarce resources you get. You have to manage with the minimum time you get. You have to make maximum out of the minimum. तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तो उसके बाद पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग भी होगी, तो किस तरह का आपका जो है काम रहेगा, किस तरह आप पब्लिक का सपोर्ट करोगे? जी, एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक इंटरफेस तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा यही एक बेसिक है कि जो भी मैं काम करूँगी विद कंपैशन, विद एम्पथी करूँ, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो मैं अच्छे से सुनूँ। मैं बहुत ही ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ ये काम करना चाहती हूँ। एंड मैं काम ऐसे करना चाहती हूँ, मेरे ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे नीडी रहने चाहिए, जो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल है, जो पुअर ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको मैं हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखूँगी और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको ही मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम देखें, यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो मुझे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की गैप बहुत ज़्यादा ब्रिज करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है जो पुअर, नीडी और वल्नरेबल है वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी मेरे काम में। आपकी तरफ से आप यहाँ के गवर्नर साहब को कुछ कहना चाहते हैं? जो यहाँ पे अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को लेके आपकी तरफ से कुछ आप उनसे जो है अपील करना चाहते हैं? जी, मैं उनसे यही अपील कर सकती हूँ कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत बहुत डिग्रीज है, लेकिन वो अपनी डिग्रीज यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उससे क्या हमारे समाज में होता है कि फिर एजुकेशन की वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि बोलते हैं एजुकेशन आपने पा ली, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिली, तो यूथ थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती है, वो फर्दर स्टडीज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक रिफॉर्म्स इन दैट डायरेक्शन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट opportunities to the youth. तो गवर्नर साहब से मेरी यही अपील रहेगी that we should address the unemployment crisis. आखिर पे मेरी तरफ से आपको एक सवाल है कि आपको जो है ये एजुकेशन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा होगा काफ़ी, तो इस बीच जो है फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? जी, तो फैमिली का मुझे इमेंस सपोर्ट रहा है हमेशा। दे ट्रस्टेड माई कैपेबिलिटी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है।
क्योंकि हर किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है. बहुत प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं और लकी बच्चे होते हैं. तो डोंट सीक सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी. आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उन पे भरोसा रखिए. इंशाल्लाह यू विल डू वंडर्स विद इट. बी अ सेल्फ सफिशिएंट पर्सन. किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको. आपकी जो कैपेबिलिटी है प्लीज़ उसको हार्नेस कीजिए और किसी से सपोर्ट सीख मत कीजिए. कैमला जी, कुछ जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको जो है दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। आपको लग रहा है कि जिनको ये ख्वाब है केएस या एएस करने आईएएस करने का, तो आपको लग रहा है कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है? जी ज़रूरी. जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो ये प्रिपरेशन है बहुत कॉस्टली होती है. अगर आपको कोचिंग वगैरह करनी है या इवन इसका मटेरियल जो है वो भी बहुत कॉस्टली आता है. तो आई थिंक जो बहुत नीडी है और जो ये आईएएस केएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट से. इनफैक्ट कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है. इनफैक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए. वैसे प्रोग्राम्स तो अवेलेबल है. तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और अपने सिविल सर्विसेज के सपने को पूरा करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच.